मेडिकल साइंस में तो अभी प्रयोग हुए हैं, लेकिन आगम में टीकाकारों ने पूर्व जन्म सिद्ध करने के लिए, जन्म जन्मांतर को सिद्ध करने के लिए, प्रीवियस लाइफ एंड आफ्टर लाइफ, इन दोनों को प्रूव करने के लिए कि आत्मा तभी सिद्ध होगा कि जब तुम्हें अनुभूति हो जाए कि मेरा पूर्व जन्म भी था और मेरा पुनर्जन्म भी होने वाला है। आगम में उसके लिए एक छोटा सा प्रमाण दिया गया था, उस पर प्रयोग पिछले 25 सालों में मेडिकल साइंस में हुआ कि सद्यजात बच्चे को इसके पहले सीधे माँ के दूध के पास ले जाते थे, लेकिन कुछ डॉक्टरों ने एक प्रयोग किया, बच्चे को दूध के स्रोत के पास नहीं पहुंचाना तो बच्चे को केवल माँ के पेट पर रख देना, और माँ के पेट पर रखा हुआ बच्चा बराबर माँ के वात्सल्य के पास पहुंच जाता है। ये आगम में पहले से कहा था, उसको किसी ने सिखाया नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, लेकिन अनादि काल की जो आहार संज्ञा है पिछले जन्म की, ये आहार संज्ञा इतनी गजब की होती है। आपको पता है कि शक्कर कहाँ पर है, चिट्ठी को एड्रेस पता चल जाता है, बताना नहीं पड़ता उसको, और वहां तक जाने का रास्ता कैसे बनाना, ये चिट्ठी को कौन सिखाता है, ये उसकी आहार संज्ञा। ये आहार संज्ञा जन्म जन्म से चली आ रही है, छोटा सा भी संकट आ जाए, चींटी खटमल आप पकड़ने का प्रयास करते हो, खटमल को बराबर, खटमल हाथ में आता है वो कैसे भागता है, आपके हाथ से बचने का प्रयास कैसे करता है, क्योंकि भय संज्ञा, उसको किसी ने सिखाया नहीं किधर से भाग, लेकिन वो जो भय संज्ञा है ऐसे पकड़ कर रखने की, चिट्ठी देखो ना कितना इकट्ठा करके रखती है। बारिश के दिनों का पूरा अन्न संग्रह कर करके पहले रख लेती है, ये परिग्रह संज्ञा है, ये वासना की संज्ञा है, ये प्रवाह है, ये धारा है। इसलिए कहा कि चौहिया सन्ना पन्नता, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। संज्ञा कैसी है, अनादि काल से इनका प्रवाह चलते रहता है, और जैसे जैसे इसके प्रवाह में बहते चले जाते हैं, धारा में बहते चले जाते हैं, तो उसी संज्ञा के सागर में पहुंचते हैं। फिर वो खाने के पीछे दौड़ता है तो खाने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, डरने लगता है तो डर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, डराने लगता है तो उसको लगता है डराए बिना काम ही नहीं होता है। और इसलिए संसार में इन चार संज्ञाओं के पीछे सारे पाप बढ़ते ही जा रहे हैं। बहुत सौभाग्यशाली हो आप कि 90 ऐसे सिद्ध परमात्माओं की कथाएं सुन रहे हो जिन्होंने अनादि काल के इन चार संज्ञाओं के खिलाफ चलने का साहस जुटाया, और ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले कि अनादि का ये सारा संसार चंद पलों में पूरा हो गया। आहार संज्ञाएं, भूख लगती है लेकिन उसका अनुसरण नहीं करना, उसको सपोर्ट नहीं देना, उसको रिस्पांस नहीं देना, और जिसको आप रिस्पांस नहीं देते हैं वो समाप्त होता है, जिसको आप रिस्पांस देते हैं वो बढ़ते जाता है। आप देखिए ना कि मुझे पता नहीं अब संभाजी नगर में गाय कुत्ते गली में घूमते कि नहीं घूमते मुझे पता नहीं, लेकिन गाय हमेशा उसी घर के दरवाजे पर जाकर खड़ी रहती है जहां रोटी मिलती है, जहां रोटी नहीं मिलती है उस घर को टाल करके वो सीधा आगे जाती है, कि उसको पता है कि जहां रिस्पांस मिलता है वहां रुकना, जहां रिस्पांस नहीं मिलता वहां
यदि तुमने आहार को रिस्पॉन्स नहीं दिया, आहार संज्ञा को रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आहार संज्ञा समाप्त हो जाती है। और जैसे जैसे आहार संज्ञा कम हो जाती है, वैसे वैसे चैतन्य की शक्ति का आधार जागृत होता है। आत्मा की जो अनंत शक्ति है, और आत्मा के अनंत शक्ति के बल पर शरीर की शक्ति जागृत करने की जो प्रक्रिया है, वो है तपस्या। कितनी गौरव की बात है आप लोगों के लिए कि तप का त्योहार मनाने वाला कोई धर्म है तो जैन धर्म है। जा खा करके खुश नहीं होते, तपस्या करके खुश होते हैं। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो चॉकलेट के लिए, कैडबरी के लिए दौड़ते हैं, वो परिश्रम पर्व में मैंने एकासन करना है, मैंने उपवास करना है, मैंने बेलो करना है, मैंने तेलो करना है। स्कूल नहीं गया तो चलेगा, लेकिन मुझे तेला करना है, मुझे बेला करना है। ये भावनाएं जन्मती है तुम्हारे अंदर में। ये परिश्रम पर्व का सबसे बड़ा उपहार है बंधु, मैं फिर आपसे कहूंगा, इस परिश्रम पर्व की जितनी तुम महिमा गा सको गा लो। आहार छुड़वाना आसान है। और देखो कनाडा में रहकर के लोग तपस्या कर रहे हैं, यूएसए में रहकर के तपस्या कर रहे हैं, कोई वहां संत नहीं है। कितने सौभाग्यशाली आप लोग कि आपको साधु साधु का सानिध्य मिलता है। लेकिन क्या परिश्रम पर्व का जैनियों में ब्लूप्रिंट है कि विदेश में जाकर के भी संवत्सरी का उपास कोई जैनी छोड़ता नहीं है?